रेडी हैं आप लोग? मैडम से मैं निवास त्रिपाठी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से शुरू करती हूँ। तो ये है वो सिंथेटिक दूध जो निवास त्रिपाठी और उसकी पूरी गैंग बनाती है। दूध? सॉरी मैडम सर, वो सनी ने मेरा स्केच बना के मुझे गिफ्ट दिया था ना, तो फिर रिटर्न में मैंने उसको कुल्फी खिला दी थी, तो ये वहीं की फोटो है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये है वो सिंथेटिक दूध जो निवास त्रिपाठी और उसकी पूरी गैंग बनाती है। संतु जी, ये सिंथेटिक दूध क्या होता है? चीते ये लोग ना पानी में व्हाइट कलर, डिटर्जेंट और ऑयल मिलाते हैं और फिर बहुत ही सस्ते से केमिकल का यूज करके इसे दूध का रूप दे देते हैं। व्हाइट कलर से दूध का रंग, डिटर्जेंट से झाग और ऑयल से चिकनापन, इस तरह बनता है इनका ये सिंथेटिक दूध और आम आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए इतना काफी होता है। हे भगवान, पैसों के लिए कितना गिर रहा है इंसान। मैडम सर, ये तो मासूम लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ है, कुछ भी करके इसे रोकना पड़ेगा मैडम सर। रोक ही लेते पुष्पा जी, अगर त्रिपाठी पर पड़ने वाली रेड की खबर पहले से लीक नहीं हुई होती तो अब तक तो उसे पकड़ के जेल में पटक चुके होते। संतोष, त्रिपाठी के पास आने वाले हर कॉल की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कि उसको कब, किसने और कैसे इन्फॉर्मेशन दी। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। तो क्या चल रहा है? माफ कीजिएगा, वो आने में हमें थोड़ी देर हो गई। वो क्या है, आपका शहर है ही इतना मशहूर अपने जायके के लिए कि हर मोड़ पर खाने की खुशबू हमें रोक लेती थी। तो कहां तक पहुंचा ये केस? वो क्या है ना कि हमारा शहर सिर्फ जायके के लिए नहीं, मेहमान नवाजी के लिए भी उतना ही फेमस है। आपने यहां तक आने की मेहनत ही क्यों की? आराम से बैठिए, चाय का लुत्फ उठाइए, केस हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं। चीता, चाय बुलाओ मैडम के लिए, मेहमान हैं हमारी। कोई बात नहीं जी, आपको हमें केस पर नहीं रखना है तो मत रखिए, क्या कर सकते हैं, सीनियर तो आप हैं, इतना तो बनता है आपका। लेकिन हम यही हैं, यहां पर आपकी सेवा में बैठे होंगे, जब भी जरूरत पड़े बुला लीजिएगा। वो क्या है ना, मिस्री की याद तो तभी आती है जब मुंह जलने लगता है मैडम सर। जय हिंद। सर, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, मिस्री पांडे को बिल्कुल काम नहीं आता, वो इस पोस्ट को डिजर्व ही नहीं करती है। आप प्लीज उसका ट्रांसफर करवा दीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ये इतना आसान नहीं है मिस मलिक। मिश्री का कोई रिलेटिव बहुत बड़ा नेता है, उसने डायरेक्ट हाई कमांड से ये ऑर्डर्स पास करा लिए हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। इस तरह के नाकाबिल और नॉन डिजर्विंग लोगों की वजह से ही देश का ये हाल हो रखा है। सारे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स में अच्छी अच्छी पोजीशंस को ये घेर कर बैठे हैं और इसका भुगतान कर रही है हमारी आम जनता। नहीं सर, नेपोटिज्म का ये गंदा खेल हम अपने थाने में तो नहीं चलने देंगे। मिश्री पांडे का ट्रांसफर हो के रहेगा। जय हिंद। हे माता रानी, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि प्रमोशन के एग्जाम की खबर आएगी, तो सबसे पहले हम आपके पास ही आएंगे और देखिए हम आ गए। बस अब हमारा ना एग्जाम में हमको पास करा दो, फिर हमारा ये हसीना मैडम के नाम की भूत से ना पीछा छूट जाएगा। बस आप तो जगत यापी है, सब जानती है कि सबके मन में कहाँ चल रहा है, बस हमें पास करा दो। फेल। करिश्मा मैडम पक्का फेल, कोई चांस ही नहीं है। अच्छा पास जाएंगे करिश्मा मैडम, अबे पास जा, मेरा नाम बदल देना, 1000% करिश्मा मैडम फेल हो रही है। स्टाम्प पेपर लिखवा लो मुझसे, अरे एक बाल की जबान। हाँ लगा दो, करिश्मा मैडम के फेल होने पर आंख बंद करके लगा लो, सब उसी पर लगा रहे हैं, डबल मुनाफा कमाएगा। अंदर की बात बता रहा हूँ, 2500 लगा, मैं खुद बैठा हुआ हूँ। हाँ फेल करिश्मा मैडम फेल, लगा दो, चल। हाँ खुदा हाफिज। आए बड़े शुक्रिया। कौन फेल हो रहा है भैया? नहीं, सट्टा है, गैर कानूनी काम थोड़ी ना, और सट्टा लग रहा है हमारे फेल होने पे। हाँ
जिंदगी से प्यार नहीं है तुमको? मैडम, कसम से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। क्या गलती हो गया? मतलब हम कुछ नहीं किए, मतलब काम धाम कुछ खास है नहीं, धंधा मंदा चल रहा है, तो हम मार्केट वाले बस वैसे फोन पे टाइम पास कर रहे थे, सीरियस कुछ नहीं। कसम, सारी बातें छोड़ो, वो टोपा आदमी कौन है जो इतना कॉन्फिडेंस से बोला है कि करिश्मा सिंह फेल हो जाएगी? उस्मान। बता रहे मैडम, बता रहे, आप मार क्यों रही? देखो हमारी इतनी हिम्मत है जो हम आपके लिए आपके लिए ऐसे बोलेंगे? हमें अपना एनकाउंटर कराना क्या? याद आया हमसे ना, बदनाम चाय वाले ने बोला था हमसे। ज्यादा चिल्लाओ मत, वरना तुम्हारा मुंह भी तुम्हारी उंगली की तरह टेढ़ा कर देंगे हम। अरे हम तो चाय लेकर अंदर गए थाने में, हसीना मैम कुछ कह रही थी पुष्पा जी मैम को। क्या कह रही थी? बता रहे, उंगली तो छोड़, बता रहे। आय 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 आय, तजुर्बा कहता है हमारा करिश्मा सिंह इस एग्जाम में पास नहीं हो पाएगी। लो आय 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 आय, पास दिखे जी। तुम इधर आओ। हमने कुछ नहीं किया। इधर आ, मोर बनो और उड़ने के लिए तैयार हो। अरे नहीं, मोर बनो और उड़ने के लिए तैयार हो। अब तुम कंटाप लगाओगे इसको, ये लगाएगा उसको और वो लगाएगा तुझको। क्यों? वो बात भी ऐसी ट्रांसफर हुआ था ना, तो ये कंटाप भी अब ऐसी ट्रांसफर होगा, समझिए? अब शुरू हो जाओ इससे पहले कि हम शुरू हो जाए। मार जोर से, बस अब ऐसे ही लगे रहो जब तक हम रुकने के लिए नहीं बोलते। और जहां तक बात रही हमारे फेल या पास होने की, तो किसी का बाप भी हमको पास होने से रोक नहीं सकता, और ये साबित करके दिखाएंगे हम। संतोष शर्मा, कॉल रिकॉर्ड से क्या पता चला? जी मैडम सर, निवास त्रिपाठी को सिर्फ एक ही फोन आया था, वो भी सुबह 9 बजे से पहले। ये कॉल अमीनाबाद के किसी लोकल पीसीओ से किया गया था जो किसी चौनी जंक्शन के नाम पर रजिस्टर्ड है। बुलाइए इस पीसीओ के मालिक को, अब वही बताएगा कि रेड की खबर किसने लीक की थी। जो भी हुआ बहुत मजा आया। क्या क्लास ली है मैडम सर ने मिश्री मैडम की? सच्ची संतोष जी? और नहीं तो क्या, करके दिखाएं? चीता एक काम कर, तू मिश्री मैडम बन और तू वहां से उन्हीं की तरह एंट्री मार किया, और मैं बनूंगी मैडम सर, ठीक है? चल फटाफट चीते। संतोष जी, आप इतना प्यार से बोलिएगा तो हम तो कुआं में कूद के जान दे देंगे, एक्टिंग कौन सी बड़ा भारी चीज है। पहले एक्टिंग कर ले, कुएं में बाद में धक्का हम मार देंगे। ठीक है, मिश्री मैडम बनते हैं। मिश्री मैडम, ठीक है। और बताइए मैडम सर, क्या चल रहा है, कहां तक पहुंचा प्लान? ये शहर सिर्फ जायके के लिए नहीं, मेहमान नवाजी के लिए भी उतना ही मशहूर है। तो बैठिए और लुत्फ उठाइए, केस हम देख लेंगे। अरे भाई, मैडम के लिए कोई चाय मंगाइए, मेहमान है ये हमारी। हाँ, क्या है कि हम तो माता रानी के बाबा। वाह, अच्छा है बेटा, तुम जैसे जोकर लोग आजकल बहुत डिमांड में हैं। अब तो ये नौकरी तुम लोग को की गई हाथ से, तुम लोग का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब हम च्युइंगम की तरह चबा नहीं गए ना, तो हमारा नाम भी मिस्री नहीं। मैडम सर, करिश्मा सिंह, कहिए कैसे आना हुआ? वो हम अपना लीव कैंसिल कराना चाहते हैं और वापस ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। अरे वाह, लेकिन आपकी एग्जाम का क्या? हमारा डेट आगे बढ़ गया एग्जाम का, और माहौल तो आप देख ही रही हैं। इस माहौल में हमें नहीं लगता कि हमारा डेट जल्दी पढ़ने वाला है, इसलिए हम
ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। गुड, वेरी गुड। हम आज ही डीएसपी साहब से बात करेंगे, उन्हें मेल करेंगे आपकी रिक्वेस्ट, और एक बार उन्हें पर्सनली भी फोन कर देंगे। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, प्रोटोकॉल है, आई होप यू अंडरस्टैंड। हम जानते थे आप कुछ ऐसा ही जवाब देंगी, आखिर आप भी तो ये सरकारी मशीनरी का हिस्सा है। ये क्या कह रही हैं आप? प्रोटोकॉल आप भी अच्छे से जानती हैं, लेकिन आप कहना कुछ और चाहती हैं। खुल के गई। चलाने वाले चला रहे हैं सिस्टम, और अपने भतीजों को, अपने बच्चों को उनकी मनचाही पोस्ट दे रहे हैं, और जो वेल डिजर्विंग होते हैं ना, वो या तो किसी नेता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं। हो सकता है आपको भी एक फोन आया होगा, फिर आपको वो मिस्री दिखी होगी और उसमें आपको आपका रिश्तेदार दिख रहा होगा। कोई बड़ी बात नहीं है मैडम सर, हम बैठे हैं यहीं पे, इंतजार करेंगे। आप बताइए हमको क्या करना है। मैडम सर उनकी तरफ से कोई बात नहीं। पुष्पा जी आप माफी मत मांगिए, हम जानते हैं कि वो गुस्से में, बस वही गुस्सा निकाल रहे हैं, इतना हम भी समझते हैं। जय हिंद। अरे ओ चीता चतुर्वेदी, कैसे रखता है क्या कोई नेम प्लेट? तो कोई भी आगे कहीं भी बैठ रहा है। अरे इसको ठीक से रखो यार। ताकि सबको सबको पता चले किसको कहां बैठना और कहां नहीं बैठना है, समझे? करो, जिंदगी भर इंतजार करो, क्योंकि अब तो भाई यहां वही होगा जो हम चाहेंगे। पुष्पा जी कहां लेकर आई हैं आप? आप मुझे आइसक्रीम खिलाना चाहती हैं? थैंक यू पुष्पी, आई लव यू। संतु कितना बोलती हो तुम, चुप रहो ना थोड़ी देर, मैडम सर ने बुलाए तुमको। हाँ ओ, तो मैडम सर हमें आइसक्रीम खिलाना चाहती हैं? हमको नहीं पता, वो आएंगी तो उनसे पूछ लेना। क्या कि आइसक्रीम खिलाने के लिए बुलाया यहाँ पे? चुप करो यार, कब से आइसक्रीम 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 चल रहा है तुम्हारा, छोटी बच्ची हो तुम। पुष्पा जी, संतोष। जय हिंद मैडम सर। थैंक यू यहाँ आने के लिए। थैंक यू मैडम सर आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया आइसक्रीम खिलाने के लिए। हाँ, भैया 3 आइसक्रीम दीजिए। बैठी बैठी बैठो। दरअसल हम आप लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं, जिसका जवाब हमें पता तो है, फिर भी आप कहेंगी तो ज्यादा बेहतर है। करिश्मा सिंह आपके लिए क्या है? बहुत कुछ है मैडम सर, इंस्पिरेशन है, गाइड है, फिलोसोफर है, टीचर है, बहुत कुछ है। और आप क्या कर सकती हैं उनके लिए? कुछ भी कर सकती हूँ, कल ही चौराहे से उनके घर पे दही लेकर गई थी। मैडम आइसक्रीम लीजिए। हाँ थैंक यू। तो ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि करिश्मा मैडम इस थाने में वापस आए अपनी पोस्ट पर, उसके लिए जरूरी है पहले मिश्री पांडे को यहाँ से ट्रांसफर करवाना, और वो तभी हो पाएगा जब हमें उनके खिलाफ ये सबूत मिल जाए कि वो काबिल अफसर नहीं है। पर वो कैसे मैडम सर? एक प्लान है हमारे दिमाग में। बताइए मैडम सर क्या करना है? गालियां देनी होंगी, बहुत सारी, बुरा भला बोलना होगा, नफा नुकसान निकालना होगा। चीता मानेगा क्या? हमें बोलना होगा। नहीं नहीं मैडम सर, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए आप प्लान समझिए, अगर आप लोग हमें बुरा भला कहेंगे तो मिश्री पांडे को लगेगा कि आप हमसे नफरत करती हैं। यही मौका है मिश्री पांडे के करीब जाने का और उनसे उनके राज जानने का।
जितना आप हमसे नफरत करेंगे उतना ही उनके करीब जा पाएंगे। पर एक प्रॉब्लम है मैडम सर। क्या? मुझे गालियां देना नहीं आता। उसके लिए पुष्पा जी है ना, सिखा देंगे। हम? अरे नहीं नहीं मैडम सर, हमें गालियां नहीं आती। बहुत ही संस्कारी पूजा पाठ करने वाले सात्विक लोग हैं हम, कहां से आएंगी गालियां। अमन नाश पीटे, कीड़े पड़े तेरे मुंह में, तेरा पूरा खानदान नरक में जाए, फूसी फूटे, तुम भैया जा खाए, तुमको कमी नहीं। आइसक्रीम। इसकी आधी गालियां भी अगर सिखा देंगे संतोष जी को तो हमारा काम हो जाएगा। मगर मैडम सर एक दिक्कत तो है ना। अब क्या? संतु झूठ नहीं बोल सकती, इसके पेट में दर्द जो होता है। इसलिए आप हमेशा संतोष के साथ रहेंगी, अगर इन्होंने कोई भी गड़बड़ी की तो आप संभाल लेना। याद रखिए इस मिशन का मकसद है जितना हो सके उतना मिश्री पांडे के करीब जाना और इन्फॉर्मेशन निकालना। क्लियर? जी मैडम सर। गुड लक। बस बहुत हो गया संतोष शर्मा, ये पुलिस फोर्स है, यहाँ पर काबिलियत के साथ साथ एफिशिएंसी की भी जरूरत होती है, आप जैसे बेवकूफ लोगों की नहीं, जिन्हें ये तक नहीं पता कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है। सारे नॉन डिजर्विंग नाकाबिल लोग इसी थाने में भरे पड़े। लगता है आपका भी ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। चाहिए यहां से, इस तरफ से। रोते हुए संतु कोई मेरे पास नहीं आएगा प्लीज। सबके सब मैडम सर के चमचे हैं। चमचे? अरे चमचा कहा तो ये चीता हो गया ना, स्त्रीलिंग के हिसाब से हम तो चमची हुए है कि नहीं। सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो मैडम सर के चमचे, सब दूर चले जाओ, हट जाओ यहाँ से। संतु जी क्या बोल रही हैं आप, क्या बोल रही, क्या हो गया हमको बताइए ना। अरे अब तो सारा लखनऊ जानता है कि हम किसके गुलाम हैं। तुझे बोला ना दूर हट, इरिटेट मत कर, निकल जा यहाँ से। जा 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 चीते जा। आप भी जाओ। हाँ हम भी जा रहे हैं। कमीनी नर्क में जाए, पूरा का पूरा खानदान उसका नर्क में जाए। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, गलती से ऐसे एसएचओ बन गई है वो। हम सबको तो कीड़े मकोड़े समझती है, कीड़े मकोड़े। मेरा मेरा दिल करे ना गला दबा दू कमीनी का, मरेगी वो, पूरी की पूरी मरेगी, श्राप लगेगा उसको। करिश्मा सुबह से लेके रात हो गई ना, तुमने कुछ खाया ना पिया, घर चलो थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं अम्मा आप जाइए, हमें मैडम सर से आज जवाब चाहिए। अब जाइए हम आते हैं। लेकिन तुम जाइए हम आते हैं। जैन मैडम सर, डीएसपी साहब से बात नहीं हो पाई, उन्होंने फोन नहीं उठाया। हम कल के कल किसी भी कीमत पर उनसे बात करेंगे, आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे और जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे। करिश्मा सिंह घबराइए मत, भरोसा रखिए हम हैं यहाँ, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जैन मैडम सर, जैन मैडम सर,
लेकिन सर हमें समझ नहीं आ रहा, जब करिश्मा सिंह के एग्जाम का स्टेटस क्लियर हो चुका है तो फिर मिश्री पांडे का ट्रांसफर होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? बस एक छोटा सा ऑर्डर ही तो पास करना है। ऑर्डर्स पास हो चुके हैं मिस मलिक, अब आप करिश्मा सिंह को ड्यूटी रिपोर्ट करने के लिए कह सकती हैं। और हाँ, अब वो ड्यूटी रिपोर्ट सब इंस्पेक्टर मिश्री को करेंगी। क्या सर ये आप क्या कह रहे हैं? ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं मिस मलिक। मैं तो सिर्फ आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। और हाँ, आज के बाद आपके थाने की परमानेंट SI मिश्री पांडे होंगी और करिश्मा सिंह उनको रिपोर्ट करेंगे और उनको असिस्ट करेंगे। आप जो निवास त्रिपाठी की फाइल्स देख रही हैं, वो फाइल भी आप मिश्री पांडे को हैंडओवर कर दीजिए, क्योंकि आज के बाद वही इस केस को हैंडल करेंगी। नहीं, I'm sorry sir, but this is, ये बिल्कुल गलत है। It's an order, Miss Malik. Okay sir, जय हिंद। जैन मैडम सर, मैडम सर, लगता है DSP साहब का कॉल आ गया है, वरना कुछ नहीं तो अब हमें एक झूठी तसल्ली तो दे ही देती। करिश्मा सिंह अब ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन 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 आपको मिश्री पांडे को रिपोर्ट करना होगा। जुगाली को रिपोर्ट करना होगा हमें मैडम सर? आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा ना ये सुन के, जैसे कॉल आया होगा आपने बोला होगा ओके ओके सर, थैंक यू। ऐसा नहीं है करिश्मा सिंह, हमने इस फैसले की बहुत खिलाफत की है, लेकिन क्या करें। तो खिलाफत का असर क्यों नहीं हुआ मैडम सर? या तो आपने दिल से नहीं किया है। ओ या हम भूल गए, आपके जज्बातों का फंडा काम नहीं आया होगा ना इस बार, इसलिए जीत गया ये नेपोटिज्म का ताकत ना, जीत गया। अगर हमारे चाचा मामा ताऊ होते ना इस सिस्टम में तो हमारा बात भी कुछ और होता, लेकिन नहीं, हम ठहरे एक साधारण फैमिली के एक गरीब कैंडिडेट जिसको आज तक यही लगता रहा कि तरक्की का मतलब होता है काबिल होना। आपके पास जवाब नहीं है ना हमारी बातों का, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस जुगाली की बच्ची को रिपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे हमें हमारी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए।